Hello guys, this is Shweta and welcome to my channel where I make arts and craft videos. So in today's video, we're going to turn this wooden tray into something really cool. And ये बहुत ही एक easy and cheap DIY home decor होने वाला है क्योंकि इसमें बस आपको चाहिए wooden tray and some paint. And ये बहुत ही सुंदर दिखता है आप घर से जाने के लिए या फिर अपने टेबल पे या फिर कॉफी टेबल पे इसको यूज़ कर सकते हैं. So stay till the end of the video to see how it turned out. And do not forget to subscribe to my channel because मैं लाती हूँ बहुत सारे cool videos इस channel पे. तो आज हम इस ट्री को पेंट करेंगे और इसको देंगे एक नया लुक ताकि ये देखे बहुत ही सुंदर और आप इसे यूज़ करें होम डेकोर की तरह. तो पहले मैंने येलो पेंट लिया है और आई एम पेंटिंग द होल ट्रे येलो. और कोई भी कोना आप को मिस नहीं करना है और सारे कोने पे इसको येलो पेंट करना है. तो पहले मैं येलो पेंट कर लेती हूँ. As you can see, I'm painting every corner of it. And इसके बाद मैंने सोचा कि इसमें क्या पेंटिंग की जाए. तो मैंने सोचा कि मधुबनी पेंटिंग करते हैं. तो मैंने पहले ये फिशेस ड्रॉ कर लिया है एंड नाउ आई एम डूइंग द डिटेलिंग. और मधुबनी पेंटिंग इतना सुंदर दिखता है और इसमें इतना सारा डिटेलिंग होता है, कलरफुल होने वाला है. सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो. और पहले तो मैं सिर्फ ब्लैक से ये पेंटिंग बना रही हूँ लेकिन मैं इसके बाद इतने सारे ब्राइट कलर्स ऐड करूँगी ना, मिस मत करना. और आप चाहे तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, इसका स्केच बना सकते हैं, फिर इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं. चाहे तो मार्कर से भी कर सकते हैं तो फिर प्रिसाइज होता है, लेकिन मुझे ब्रश से करना ज़्यादा पसंद है तो मैं ब्रश से कर रही हूँ. प्यारी सी मछली की प्यारी सी आंखें मैंने बना ली. और नाउ आई एम एडिंग दी वाइब्रेंट कलर्स और रेड ब्लैक येलो. ये इतने सारे, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है ना, और इतने सारे वाइब्रेंट है ये कलर्स. तो अब कुछ भी करो बहुत ही सुंदर दिखता है. नाउ आई एम पेंटिंग दी पेटल्स ऑफ द फ्लावर जैसे कि आप देख ही सकते हैं. और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं इसके बाहर का डिज़ाइन बना रही हूँ. और ये मैंने हल्के से पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है. उसके बाद मैं इसको रेड से फिल कर रही हूँ. नाउ आउटलाइनिंग द होल थिंग विद ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक आउटलाइन से ना चीज़ें बहुत निखर के आती हैं और इसमें एक जान से आ जाता है. अब आप ये बताओ कि मछली रहती कहाँ पर है. हम सबको पता है मछली पानी में रहती है और पानी में मेरी फेवरेट चीज मछली के अलावा एक और भी है, वो है लोटस. तो मैंने साइड में लोटस ड्रॉ किया है जिसको मैं अभी पेंट कर रही हूँ. अभी रुक जाओ क्योंकि पेंटिंग के बाद ना बहुत सारे डिटेलिंग्स भी हम ऐड करने वाले हैं और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारा डिटेलिंग ऐड करना बाकी है. और हाँ, ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दो और मुझे ज़रूर बताना है कैसे लगते हैं आपको ये वीडियोस. कमेंट करो, लाइक करो और आपको वीडियोज़ कैसे चाहिए वो भी मुझे बताओ. अभी मैं इसमें डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ रेड से. और इसके बॉर्डर के लिए मैंने ये लीफ पैटर्न के डिज़ाइन बनाए हैं और इसको मैं ब्लैक से पेंट कर रही हूँ. अब चाहे तो कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो या फिर कोई टेप यूज़ कर सकते हो. And it's almost done and I'm adding this white dots for finishing touches. And इसके बाद ये हो जाएगा ख़त्म. और आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये.
एंड इट्स डन एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल है ना. और येलो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इतना सुंदर लगता है. आप देख सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है. और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो. सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.